हरियाणा के पलवल में कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जिला बागवानी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक, प्रगतिशील किसान क्लब के प्रधान भी मौजूद रहे और किसान सम्मेलन में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की प्रदर्शनियां, फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण, किसान गोष्ठी, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया और विजेता किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। किसान सम्मेलन में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। आपको बता दें कि किसान सम्मेलन में किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी गई। सर, आज पलवल में जिला स्तरीय एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो कि फसल प्रबंधन पर आधारित है। इसमें जिले से कम 1400 किसान भाग ले रहे हैं और सभी कृषि इम्प्लीमेंट्स की स्टॉल लगी हुई है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टॉल लगी हुई है, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की स्टॉल लगी हुई है और रबी की सरसों की और गेहूं के बीज की बिक्री भी यहाँ स्टॉल द्वारा की जा रही है। सर, जैसा कि आपको पता है कि धान कटाई के बाद किसान भाई पराली को आग लगा देते हैं। मेन हमारा मोटिव यही है कि पराली को मैनेज करना है इन सीटू और एक सीटू में, जिसमें हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सीटू में और एक सीटू में भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है और हमने कृषि यंत्रों के माध्यम से उसको मिट्टी में मिलाना है या बेलर से गांठ बनाकर उसको इंडस्ट्री में सप्लाई करना है। ये किसान पर डिपेंड करता है और इस जो किसान सम्मेलन है इसमें मेन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं या टेक्निकल सेशन चल रहा है, इसमें भी विस्तार से किसानों को ये जानकारी दी जा रही है। इस किसान सम्मेलन में किसानों को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई है। सबसे ज़्यादा इसमें फसल अवशेष प्रबंधन को शामिल किया गया है और आधुनिक कृषि यंत्र किस तरह से हम फसल अवशेष नियंत्रण कर सकें और अधिक उत्पादन के लिए अच्छी बीज कंपनियां हैं और कृषि उत्पाद बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां यहां पर आई हैं। कृषि विशेषज्ञ अपने अपने विषय में चर्चा करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इस मेले के माध्यम से किसानों से अपील है कि किसान जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान, कृषि विभाग और कृषि कल्याण विभाग के माध्यम से जो फसल अवशेष प्रबंधन का अभियान है, उसमें किसान फसल अवशेषों को ना जलाएं, धान की पराली ना जलाएं, उससे ज़मीन की जो मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है, पर्यावरण दूषित होता है और हमारा उत्पादन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो किसान इस मेले के माध्यम से अपने फसलों का अवशेष का जो प्रबंधन करें और जो अच्छी अच्छी तकनीक हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं और जो नए बीजों की बात यहाँ हो रही है, कृषि यंत्रों की बात हो रही है, उन तकनीकों को अपना करके किसान फ़ायदा उठाएं और प्रगतिशील किसान क्लब के माध्यम से भी किसान, हमारे ग्रुप जो बने हुए हैं प्रगतिशील किसान क्लब के, उसमें शामिल होकर के रोज़ प्रतिदिन हमारे जो कृषि वैज्ञानिक नई नई जानकारी देते हैं उस सब में हम उनको जोड़ रहे हैं, सब शामिल होकर के हमारे साथ चलें। जी, दीपचंद बामनीखेड़ा, और हम यहाँ मेले में आए जहाँ हमने अच्छी मशीन, बीज, दवाई, सुपर सीडर, रोटावेटर, हैप्पी सीडर, जिनके बारे में सभी के में अच्छी जानकारी ली और दवाई और बीज के बारे में भी दवाई जानकारी ली और बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक भी बता रहे हैं वहाँ खाद के बारे में, दवाई के बारे में, फसल अवशेष के बारे में। खास करके जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है फसल अवशेष न जलाने की, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति मिट्टी की कम नहीं होती है, बढ़ती है और जलाने से घट जाती है। सबसे बड़ा काम तो ये चल रहा है जी, जो हैप्पी सीडर और उससे जो मिट्टी में जो मिलाया जा रहा है नहीं, उसका एक फ़ायदा ये, दूसरा ये है जी 1000 रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं मिट्टी में मिलाने के लिए। किसानों से यही अपील है कि यहाँ से ज़्यादा जानकारी लें। जो सरकार ने, DDA साहब ने जो किया है वो हमारे लिए किया है और ख़ास करके अवशेष तो जलाएं नहीं और उन्नत उस तकनीक से खेती करें। मेरा नाम महेंद्र सिंह, गांव लोहिना जी, और ये मेले में जो हमें जानकारी मिल रही है जी, शुरू में जो अवशेष जलाने की जानकारी है, ये बहुत बढ़िया मेला लगा, बहुत बढ़िया हमें जानकारी मिली। इससे हमें जुताई करने से, इस रोटावेटर की, इसने भी सब्सिडी के भी बारे में बताया और इसने 1000 रुपया किसान को देने के बारे में बताया, और ऐसे मेले लगने चाहिए जी, ऐसे मेले से हमें जानकारी मिल रही है, दवाई के बारे में भी, खाद के बारे में, नैनो यूरिया के बारे में भी, सागरिका के बारे में भी, सब बात की हमें जानकारी मिली हमें ऐसे।